टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा, जिसे हम सिर्फ फिल्मों में देखते आ रहे हैं, पर आज के इस वीडियो में हम और आप एक ऐसी घटना को लेके बात करेंगे जिसे टाइम ट्रेवल से जोड़ा जाता है। तो ये घटना सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 का है, जो बीच सफर से गायब हो गया था। तो ये घटना है 4 सितंबर 1954 की, जब इस प्लेन को वेस्ट जर्मनी से उड़ान भर के ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट में लैंड करना था, और इस प्लेन में लगभग 92 लोग थे, जिसमें से 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। जब ये प्लेन सफ़र के लिए उड़ान भरती है तब सब कुछ सही चल रहा था, फिर थोड़ी देर बाद प्लेन के साथ संपर्क टूट गया। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों ने काफ़ी प्रयास किए, पर प्लेन के साथ संपर्क नहीं हो पाया, और फिर काफ़ी समय होने पर भी जब प्लेन लैंड नहीं हुआ तो प्लेन के पैसेंजर्स के घर वाले सेंटियागो एयरलाइंस से सवाल करने लगे कि आखिर प्लेन है कहाँ और प्लेन के साथ हुआ क्या है, पर इस सवाल का जवाब सेंटियागो एयरलाइंस के पास नहीं था। दरअसल ऐसे घटनाओं को ये मान लिया जाता है कि प्लेन कहीं क्रैश हो गया है। काफ़ी महीनों रिसर्च करने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तब इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया, और ऐसे ही लगभग 35 साल बीत गए और लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे। लेकिन 12 अक्टूबर 1979 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। इस दिन पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार में एक अनजान प्लेन दिखाई दिया जो तेजी से वहां के रनवे की ओर बढ़ रहा था, और जब एयरपोर्ट के कर्मचारियों तक ये खबर पहुंची तब वो लोग प्लेन उड़ा रहे कैप्टन के साथ संपर्क करने का प्रयास किए, पर वो असफल रहे, और फिर थोड़ी ही देर में प्लेन एयरपोर्ट के रनवे में लैंड करता है। और जब वहाँ के लोगों ने इस प्लेन को देखा तब उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो वही प्लेन था जो 35 साल पहले यानी कि 4 सितंबर 1954 को गायब हो गया था, क्योंकि उस प्लेन का नाम भी सेंटियागो फ्लाइट 513 था। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो प्लेन का कंपनी को बंद हुए लगभग 30 साल हो गए थे। दरअसल सेंटियागो 513 के गायब होने के 2-3 साल बाद ही वो कंपनी का प्लेन बनना बंद हो गया था। पर वो प्लेन आया कैसे, यही पता करने के लिए कुछ लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, पर प्लेन में घुसते ही वो लोग जोर जोर से चीखने लगते हैं, क्योंकि प्लेन की सीटों में इंसान नहीं बल्कि इंसानों के कंकाल बैठे हुए थे। और हैरान और डराने वाली बात यह थी कि प्लेन को उड़ाने वाला भी इंसान नहीं कंकाल ही था, और प्लेन का कंट्रोल भी उसी के हाथों में ही था, जो काफ़ी डराने वाली बात है। ब्राज़ील के सरकार ने इस प्लेन की खबर को छुपाने की कोशिश भी की, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इस प्लेन का सटीक खबर किसी को नहीं मिला। पर जब ब्राज़ील सरकार की ओर से इस तरह का रवैया दिखाया गया तो उस बात ने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया, जिसमें से कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे आगे थे, और वे लोग सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ब्राज़ील के बड़े बड़े साइंटिस्ट और पत्रकार इसके पीछे लग गए और इस प्लेन का खबर पूरा दुनिया के सामने लाने का कोशिश किए, पर उन्हें घटना का पूरा जानकारी नहीं मिला, और वहाँ के साइंटिस्टों ने इस घटना का एक थ्योरी ही निकाल पाए, और वो था टाइम ट्रेवल, यानी कि वो प्लेन किसी समय यात्रा में फंस गया था और 35 साल बाद वापस आया। पर एक सवाल जो इस थ्योरी को गलत साबित कर सकता था, और वो ये था कि अगर प्लेन टाइम ट्रेवल में फंसा हुआ था तो फ्लाइट में बैठे इंसानों के कंकालों ने उस प्लेन को सही लैंड कैसे कराया। इस सवाल ने इस घटना पर विश्वास ना करने पे मजबूर कर दिया, पर अभी भी लोग इस घटना को सच मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। आपकी इस घटना पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।